गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 21 जैन 2022 का सोशल स्टडीज़ का पेपर है, शिफ्ट टू में जो हुआ था। ठीक है, शिफ्ट वन में तो नहीं आता, शिफ्ट टू में आता है SST। तो मैं आपको उसका पेपर आज करा देती हूँ, ये पूरा आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि SST का पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैंने सोचा कि आपको कि इन पेपर करा देती हूँ हिंदी में। इसकी जो SST की काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इंग्लिश की नहीं थी, तो मैंने सोचा आपको इंग्लिश का पहले करा देती हूँ, क्योंकि बच्चे इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए तो अपना वीडियो मैं आज का स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर वन से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और आप लोग प्लीज़ शेयर तो ज़रूर से करा करिए कि मेरे सब्सक्राइब भी बढ़े। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, कंसिडर स्टेटमेंट ए एंड बी आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है कि द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन ओशियन इज आइडेंटिकल एंड इरेगुलर। बी है द इंटेंडेड एंड रेगुलर कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो आपको बताना है कि ए कौन सा गलत है, दोनों सही है या एक गलत है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन वन का जाएगा कि ए तो फॉल्स है, ए गलत है और बी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वन, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू है कि आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस मेनली ऑन द अबोलिशन ऑफ कास्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन, सनातन धर्मा सभा। सनातन धर्मा सभा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। हो सकता है एक दो आंसर मेरे ऊपर नीचे हो जाएं या गलत हो जाएं, तो ठीक है, प्लीज आंसर की आएगी वहाँ से आप एक बार फिर से चेक करना। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर कि क्रिश्चियन मिशनरीज थ्रू देयर स्कूल मैनेज टू। फोर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इंट्रोड्यूस ट्राइबल ग्रुप्स एंड ऑल कास्ट आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। द मुगल एम्फेसाइज देयर टिम्यूरिड डिसेंट ओवर देयर मंगोल डिसेंट बिकॉज। फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड कि दे वॉन्टेड पेट्रीनियल अफिलिएशन टू द गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि अ टीचर स्टार्ट हर क्लास बाय डिस्कसिंग अ स्टोरी ऑफ अ विलेज वेयर ऑल द एडल्ट्स हैव गैदर टू चूज देयर लीडर। द स्टोरी दिस स्टोरी कुड बी डेवलप टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। वो किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेटर पर। सिक्स का जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, जल्दी करने की कोशिश करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि करेक्ट कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी अबाउट मथुरा एंड चूज द करेक्ट आंसर। कि ए है मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड कनेक्टिंग नॉर्थ टू ईस्ट एंड साउथ टू वेस्ट। बी है मथुरा बहुत सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन स्कल्पचर। तो आपको बताना है कि ए बी इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या कौन सा सही है। तो इसका जो सेवन का जाएगा करेक्ट ऑप्शन है कि थर्ड, कि बोथ दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। ये हिंदी में आ गया है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में अपने छात्रों को पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे। ए बी सी डी है इसका, तो मैं इसका ऑप्शन आपको बता देती हूँ कौन सा सही होगा। एट का जो करेक्ट है वो है बी और सी। स्टेटमेंट बी आपका बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट सी आपका बिल्कुल ठीक है, तो बी सी आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर। नाइन है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ देम असेसेस द अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। ए है कि यू आर अ पीजेंट इन अलाउद्दीन खिलजी रीजन एंड यू कैन नॉट पे द टैक्सेस डिमांडेड बाय द सुल्तान, व्हाट विल यू डू। बी है कि व्हाट आर सम रॉक्स मशरूम शेप्ड। सी है कि सपोज टाइम इन कोलकाता इज 7 PM, व्हाट विल द टाइम इन लंदन विच इज लोकेटेड नियर बाय ग्रीनविच इन द यूनाइटेड किंगडम। डी देख लेंगे कि हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ई है कि एक्सप्लेन द फैक्टर कॉजिंग पॉवर्टी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि
करेक्ट ऑप्शंस क्या है? नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ए और सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि हु आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एरियाज इन सेंट्रल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड बी आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट अबाउट। 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अरावली हिल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ये भी आपका हिंदी में आ गया है कि निम्नलिखित कथनों ए बी पर विचार कीजिए तथा सही पर चुनाव कीजिए। ए का है कि समान समुन्तल पर वायु दबाव वायु ताप के अनुसार बदलता है। बी है उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। यह असर्शन और रीजन वाला ही इसको मानकर चलें कि ठीक है। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ए तथा बी सही हैं और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ए जो है बी की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि अ टीचर विशेज टू डिस्कस अबाउट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सनल एज इक्वल। विच ऑफ द फॉलो एग्जाम्पल विल मोस्ट लाइकली फाइंड अ प्लेस इन द डिस्कशन। 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 कि पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट देयर वोट इन असेंबली इलेक्शन। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विच इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या है आंसर आपको बिल्कुल, अगर करेक्ट पता हो किसी को तब बताना। ठीक है ना, मुझे हिसाब से तो फेडरल या डेमोक्रेटिक, तो डेमो मेरे हिसाब से फेडरलिज्म होना चाहिए आंसर। डेमोक्रेटिक तो नहीं है इसका आंसर, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन, मेरे हिसाब से तो आप 1 लगाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जाएगा। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर 1 मेरे हिसाब से ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेजिटेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो आपको बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जो स्टेटमेंट है 14 का ऑप्शन जाएगा कि बोथ ए और सी बिल्कुल ठीक है, आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th कि द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द एक्सप्लेनिंग द पीपल आर प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पुट दीज इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कशन। ए है कि मेंबर ऑफ ग्रुप लर्न सोशल बिहेवियर फ्रॉम ईच अदर। बी, पीपल इन डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफन हैव सिमिलर बिहेवियर पैटर्न। सी, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप इन एन एनवायरनमेंट। डी है सोशल सिस्टम आर अफेक्टेड बाय वैल्यूज ऑफ इंटरेक्टिंग ग्रुप। आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो है बी ए डी सी। ठीक है, ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर कि द बेस्ट, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द बेस्ट अप्रोच टू इंट्रोड्यूस सोशल इनइक्वालिटी टू स्टूडेंट एट अपर प्राइमरी लेवल इज थ्रो। 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए कि डाटा फोटो ईजी एसे लेक्चर केस स्टडी या फिर चूज़ द हमें अप्रोप्रिएट टीचर एक्टिविटीज़ बतानी है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd कि ए बी डी ओ डी। ठीक है, सी लेक्चर नहीं है, ए बी डी करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेसेस कंसेप्चुअल नॉलेज। ए बी सी डी ई है ऑप्शन, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि एसेस कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 17 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 2। ठीक है, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटिट्यूड आर करेक्ट। ए है कि द लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन विद वेरीड रेडियस। बी, द लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकल टाइम। सी है लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। डी, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल ऑफ 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 18 का 4th कि ए सी डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए सी डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक पूरा क्वेश्चन एक साथ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. बताना है कि पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन सच एज बुद्ध जुदेज्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. बी है कि केरला हैज़ बीन अट्रैक्टिंग डेस्टिनेशन द इंटरनेशनल ट्रेवलर एंड ट्रेडर सिंस एंटीक्विटी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए एंड बी आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए. ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर. 20 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एन इंस्टेंट दैट रिलेट्स टू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से. कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है. 20 का करेक्ट स्टेटमेंट है कि अ गर्ल इज हरेस्ड रेगुलरली बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज ऑन हर वे फ्रॉम होम टू बस स्टॉप. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर. क्वेश्चन नंबर 21 है कि अ सोशल साइंस टीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मस्ट बी डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स सो दैट दे सस्टेन द एनर्जी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग. 21 का करेक्ट ऑप्शन 4 के रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जाएगा, मैंने इसमें लगा दी थी रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है और नीचे काफ़ी ऑप्शन हैं देखते हैं. तो हमें ये सब देखना है कि इसमें 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसमें से ए बी सी डी ई पार्ट्स हैं. तो 4 करेक्ट हो जाएगा कि ए डी और ई, 21 का 4th. ठीक है, ए पार्ट सही है, डी और ई. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड ईच स्टूडेंट वर्क विद डिटेल और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक टू फर्दर स्टूडेंट लर्निंग. करेक्ट ऑप्शन इज सबमिटिव असेसमेंट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि इन महालवरी सेटलमेंट द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वॉज गिवन बाय. करेक्ट ऑप्शन है कि विलेज हेडमैन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि जेंडरिंग द सर्कुलम कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय. ए बी सी इसके पार्ट्स हैं, आप देख लीजिए. तो इसका 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd कि ए और बी इसके करेक्ट हैं. ए बी सी में से ए बी करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर कि वाई आर हाउसेज बिल्ड ऑन स्टिल्ट. आपको बताना है कि क्यों हाउस स्टिल्ट बनते हैं. 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग हाउस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है इसका. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि ए बी सी डी 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑन सब्सिस्टेंस पर एग्रीकल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो इसका प्रीवलेंट इज थिंकिंग पॉपुलेटी एरिया. बी है द एरिया अंडर कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज आर लार्ज. 3rd है कि मल्टीपल क्रॉप आर ग्रोन एनुअली. डी है इट इज़ प्रीवलेंट इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 26. 26 का आप देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए और सी. 4 में से ए और सी बिल्कुल ठीक है, बी और डी गलत है. ए और सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि द टीचर वॉज डीलिंग विद द थीम पॉपुलेशन इन हर क्लास. शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू कैलकुलेट इंक्रीज द पॉपुलेशन यूजिंग बर्थ डेथ इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द टाइम. शी इज गिविंग अ टास्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर कि विच of the 12 apostles of Jesus Christ is credited with bringing Christianity to India. 28 का correct option हो जाएगा 4 कि Saint Thomas. 28 का correct option है 4, Saint Thomas. Next चलते हैं question number 29 की तरफ कि which of the following is odd pair. कौन सा इनमें से odd है. ये system of philosophy आपको side में दे रखे हैं और founder दे रखे हैं, जैसे founder है पतंजलि, कोनर्ड, गौतम एंड जैमिनी. तो करेक्ट 29 का ऑप्शन हो जाएगा 4, वेदांता का है जैमिनी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर. कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द मॉडरेट नेशनल लीडर रेजिस्टिंग कॉलोनिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसके ए बी पार्ट हैं. 20 यह है 30 क्वेश्चन. 30 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको एक बार सामने से दिखा देती हूँ. ये क्वेश्चन ये है कि 30 का, ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर
कि आइडेंटिफाई एन एक्टिविटी यूजेस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि विजिटिंग अ कम्युनिटी फॉर डाटा कलेक्शन, 31 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कि रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप एंड चार्ट, रिलेशन बिटवीन मैन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, डी है कि इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड एंड डिफरेंट रेसेस। 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है थर्ड, बी सी डी, बिल्कुल ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू द इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी इन द ईयर, वो आएगा 1950 है। 33 का करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर कि विच गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव वन, रिप्रेजेंटेटिव वन का करेक्ट ऑप्शन 34 का जाएगा 1, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, ठीक है 34 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर कि द कांदरी महादेव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग ऑफ विच ऑफ द डायनेस्टी, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा 4, ठीक है चंदेलास ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो आप प्लीज़ आप लोग चेक करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जो भी मेरे चैनल पर विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर कि हु चेयर्ड द कमेटी दैट एग्जामाइन द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, 36 का ऑप्शन सही जो होगा वो होगा आर सचार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग 37 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स टू अंडरस्टैंड एंशियंट इंडियन पीरियड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 37 का 4, केंद्रीय महादेव टेम्पल, ठीक है ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर कि इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द गिवन पिक्चर, ए है इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, सेकंड है कि बी इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर पे हो है, ये कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर कि द रीज़न फॉर द मुगल टू रिक्रूट मसाबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वॉज टू, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 कि इनकम्पास सर्विसेज ऑफ नॉबल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, 2039 का करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अनौपचारिक औपनिवेशिक भारत में विषय में दिए गए व्यक्तों के विचार कथे करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनें, अंग्रेजी ए बी सी पढ़ देती हूँ मैं आपके सामने कि अंग्रेजी ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, बी है कि इन वनों के में लोगों को झूम खेती करना, फल इकट्ठा करने का और शिकार करने की अनुमति थी, थर्ड है कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने को रोक दिया तब विभाग में मजदूर प्राप्त करने की कठिनाई हुई, तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं, सही जो सी वाला है वो सत्य असत्य है, ए और बी सत्य है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, 40 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर कि निर्मल गोज टू ऑक्शन एट 3 AM फ्रॉम वेयर ही बाय वेजिटेबल इन बल्क, ही फर्दर सेल्स टू नेबरहुड वेजिटेबल सेलर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर इज ही, 41 का वो कौन सी किस तरह के ट्रेडर हैं, 41 का जो करेक्ट होगा वो होगा रिटेलर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, 42 है कि अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द पुटिंग आउट सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd कि रेजा सप्लाइज तेंदू पट्टा टू विलेजर एंड रिसीव VDS प्रोडक्ट, 42 का करेक्ट ऑप्शन है 3rd। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, मैचिंग है ये, पेरियार का बताना है, घसीदास, केशव चंद्र सेन या हैरी डोरोजोई, तो 43 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा 2 कि ए का जो है वो 3rd है, ए का है आपका 3rd, मैं आपको लिखा देती हूँ, ए का 3rd, ठीक है, बी का है आपका 4th, सी का 1st और डी का 2nd,
ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, 43 तो मैंने आपको बता दिया, टू है, 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइड ग्रेटर स्कोप फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हमें दे रखा है ए बी सी डी ई, तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर है ये 44, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है थर्ड, ए सी डी ई करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी को छोड़ दीजिए, सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑर्चिड ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्रूट कल्टीवेशन। 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, मेडिटेरियन रीजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से हमें चूज करने हैं ऑप्शन, तो वो करेक्ट हो जाएगा ओनली ए बी आर ट्रू। 46 का ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर कि इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक वी समटाइम कम अक्रॉस टर्म्स एंड इशू दैट मे लीड आउट सम डिस्कम्फर्ट, वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर इन अ सच अ सिचुएशन। 47 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड है कि टीचर शुड ट्रांजैक्ट द मटेरियल विद सेंसिटिविटी एंड फॉर्म कमिटमेंट टू रिस्पेक्टिव डिग्निटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ सोशल साइंस टीचर इज टू, 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन कि यूज इन डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर कि वाई वॉज 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट रामाबाई गिविन द टाइटल पंडिता। 49 का जो करेक्ट हो जाएगा वो टू है कि शुड रीड एंड राइट संस्कृत, वो पढ़ भी सकती थी और लिख भी सकती थी संस्कृत, तो ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर कि वैन टीचर इज प्रोवाइडिंग स्टूडेंट आइटम लाइक सर्च आर्टिकल बुक फोटोग्राफ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मटेरियल वेबसाइट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू वर्ड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एज ए की कंपोनेंट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। 50 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, नीचे दिया हुआ है वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अब आपके 10 को क्वेश्चन ऑलमोस्ट रह गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा वीडियो से। 10 क्वेश्चंस और अराउंड रह गए, मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती हूँ कि आप लोगों को जल्दी आसानी हो अपने आंसर चेक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन सोशल साइंसेज। 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर कि टू एसेस स्किल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप लोग बताइएगा कि 51 का आपके हिसाब से क्या करेक्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर कि रीड द गिवन सिनेरियोज केयरफुली विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अ टीचर टू प्लान अ विजिट टू दिल्ली मॉन्यूमेंट विद अ स्टूडेंट। ए बी 52 का ए बी और सी इसके स्टेटमेंट हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ए और बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं कि नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एन डिसेबिलिटी लियबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। कौन सा स्टेटमेंट कौन सा आर्टिकल है इस पर, आर्टिकल नंबर हमें बताना है, तो 53 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, आर्टिकल 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 का स्टेटमेंट है ऑप्शन है 53। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर कि इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट, वॉट विल बी इन इंडिया वॉट इज 4 PM इन लंदन। तो आपको बताना है कि इतने लंदन में कितने बजे, 4 PM जो है लंदन में बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, वहाँ हो रहा है 9:30 PM, 9:30 बज रहे हैं शाम के। ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल करेक्ट है 54 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या द सिविल
राइट्स मूवमेंट स्टार्ट इन द यूएसए टू डिमांड? करेक्ट ऑप्शन 55 का हो जाएगा टू, कि इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट है, आप लोग बताइएगा। गूगल पे सर्च करा था मैंने इसका, तो मुझे भी यही समझ आया, तो मैंने इसलिए आपको ये ऑप्शन बता रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, अब आंसर की में देखेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन आता है। 55 का मेरे हिसाब से करेक्ट और स्टेटमेंट है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे, कि ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज चाइल्ड मोरलिटी रेट्स आर डिक्रीजिंग एंड सर्वाइवल रेट आर इंक्रीजिंग एट यंगर एज। इन सच अ केस पॉपुलेशन पिरामिड विल बी, जो इसका स्टेट करेक्ट है, कि वाइडर एट द बेस ब्रॉडर इन द यंगर एज ग्रुप ट्राइंगुलर शेप, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू, कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, कि मोर इफेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन सोशल साइंस एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय। करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। 57 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 58 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा अरावलीज इसका करेक्ट ऑप्शन 58 का ऑप्शन नंबर टू है। चलिए नेक्स्ट टू क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ देम असेसेस द इवेलुएट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। इसके स्टेटमेंट देख लीजिए, कि इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश हिस्ट्री पेंटिंग इंडिया रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ इंपीरियल कॉन्कर। बी है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? आपको जस्टिफाई करिए। सी इफ यू विश टू चूज अ प्लेस टू सेट अप चॉकलेट फैक्ट्री विच इंडियन स्टेट यू विल चूज बाय, या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नीति आयोग डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड टर्जरी सेक्टर। तो आपको उसका स्टेटमेंट बताना है कौन से चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो 59 करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी और सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, 59 का आपका हो गया, सॉरी 59 का जो स्टेटमेंट है वो वन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 60 है, कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 80% ऑफ फार्मर हैव बीन बेयरली इनफ लैंड इनकम टू मीट द डेली नीड। बी है कि इन इंडिया 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर, दे डिपेंड ऑन अदर फील्ड टू अर्न अ लिविंग, मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि बोथ ए बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके करिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं, कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।